बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और तमाम मेरे ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ भी हैं, जो मेरे हमज़बान हैं उनको भी हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। अभी जो मैं आज जो आपको पता है कि मैं जो अपने टेक्नोलॉजी की सीरीज शुरू की हुई है, ड्रोन्स हैं या मेरे पास कैमराज हैं या जो भी मेरे हॉबीज़ हैं उनके ऊपर मैं आपके साथ अक्सर चीज़ें शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपके पास DJI ओस्मो पॉकेट लेके आया हूँ, जो कि यह पहली वर्जन है और अभी तो दूसरी और तीसरी वर्जन भी आ चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट इनमें फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको पहले पॉकेट वन जो है उससे मैं शुरू करूँगा, उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी खूबियाँ, और आपको इस चीज़ के ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा और आप भी इस चीज़ को ख़रीदना चाहोगे। और ये इन रियलिटी में ये बहुत सिंपल सा है, सस्ता भी है और आप अपनी जेब में रखें और जहाँ जाएँ आप जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग जो है वो बहुत, बैटरी भी इसकी बहुत अच्छी है और आप ऑलमोस्ट 3 घंटे की वीडियो बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा SD कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा ये 4K के अंदर भी बनाता है और उसके बाद 2.7 के अंदर भी बना लेता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ग्राफिक्स को करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास आज आपके पास मैं ये लेके आया हूँ DJI ओस्मो पॉकेट, और ये इसका कवर है जो इसके अंदर रखा होता है। और याद रखिएगा, अभी देखिए मैं बैठा हूँ, मेरी जेब के अंदर मैंने एक और रखा हुआ है, क्योंकि मैं इस मेरी हॉबी है, मैं इसको बनाता रहता हूँ। ये देखिए एक और मैं निकाल लूँगा आपके सामने, ठीक है। अभी इसके साथ जो एक कंट्रोल आता है साथ, ये एक्स्ट्रा में आता है, ये कंट्रोल है ये एक्स्ट्रा में आता है, और इसको आप ये जो पोजीशन है यहाँ से आप इसको स्लाइड करके इसको निकाल सकते हैं और इसकी जगह पे आप इसको फिट कर सकते हैं। ये स्लाइड किया, ये देखें इसके साथ ये कनेक्शन है इसकी जगह, और ये मैंने निकाला है इसको, और इसी की जगह ये आप इसको फिट कर सकते हैं। ये आपका कंट्रोल है और इसको आप इसी में स्लाइड करेंगे और आप इसको फिट कर लेंगे। ये आपने स्लाइड किया और ये इसके साथ फिट हो गया। अभी देखिए कैमरा को जब भी ऑन करेंगे, ये याद रखिएगा कि इसके अंदर जो सिस्टम है वो बड़े नायाब हैं और गिम्बाल है, ऊपर अपने आप को खुद कंट्रोल करता है। और ये देखिए ये आपके ऑन हो गया। अभी इसको जब चाहें जिस जहाँ चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, गिम्बाल घूम रहा है, जैसे चाहें आप इसको घुमा सकते हैं जिधर चाहें। और उसके बाद ये है कि इसके अंदर फॉलो अप मोड है, ये टेलीफोन के साथ भी लग जाता है। ये इसका एक्चुअल कंट्रोल है इसके साथ, इसमें आप टेलीफोन के साथ अभी सिर्फ लगाएंगे तो केबल के थ्रू लगाएंगे। ये इसका यहाँ पे SD कार्ड डलता है और आप जो चाहें आप SD कार्ड इसके अंदर डालें और उसके बाद आप वीडियो बना सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि कहीं भी आप ले जाना चाहें ना, कहीं भी, तो इसका बड़ा सिंपल सा यानी कि वो कैरी करने वाला केस है, इसके अंदर आप डालिए और इसको आप कहीं भी चाहें ले जा सकते हैं। अभी देखें, अभी मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसको आप स्लाइड किया, इसको स्लाइड करके आप बाहर निकाल लेंगे, यानी कि आप इसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें उतार सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास टेलीफोन एंड्रॉयड है, उसकी कनेक्शन भी इसके साथ आता है। ये आईफोन का है, आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं अपना आईफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके साथ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अभी इसको मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ और साथ इसकी एप्लीकेशन भी ऑन हो जाएगी, जो मैंने DJI की इसकी ओस्मो की एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। अभी इसको सिंपल, यानी कि अब देखें ये इसका कवर है, इसको सिंपल अब इस्तेमाल अपना इस्तेमाल कर लिया। अब इसको इसके अंदर डाला, ये देखिए इसका कट बना हुआ है, वो पिन बाहर निकली और इसको मैंने पैक करके दोबारा यानी कि उसी तरह अपने जेब में डाला। मेरे पास 2 मैंने रखे हुए हैं, यानी कि जब भी होता है ना कि ये नहीं कि मेरे पास बैटरियाँ भी रखी हुई हैं एक्स्ट्रा, लेकिन ये मेरे इसका एक सिर्फ होता है कि समटाइम्स मैं कैमरे को मुख्तलिफ पोजिशन पर, जब ड्रोन उड़ाता हूँ तो उसको मुख्तलिफ पोजिशन पर मैंने लगाए होते हैं कैमरे, ताकि वो फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फॉलो बैक होता है ना, मैं जितने भी जाऊँगा उसी तरह ये इसका गिम्बल मुझे फॉलो करेगा और वीडियो बनाएगा। इसकी याद रखिएगा कि ये पिक्चर जो है 12 मेगापिक्सल के खींचता है, लेकिन ये प्रोफेशनल कैमरे जो होते हैं ना ऑलमोस्ट उससे बेहतर पिक्चर्स खींचता है, और उसकी
एक एक जो पिक्सल है वो देखने वाला क्लासिक है। उसके बाद ये देखिए, मैंने अभी जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसी में आपके साथ एंड पे जब मैं अपनी ये वीडियो एंड करूँगा, मैं अपनी जो सैम्पल इसकी पिक्चर्स मैंने खींची हुई हैं, प्लस जो मैं सैम्पल वीडियो हैं इसकी डीजे उसमो की, वो भी आपको शो करूँगा। आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अब जब जब तक इंसान टूर पे जाता है, अपनी फैमिली के साथ जाता है, कहीं भी जाता है, तो नॉर्मली इतना बड़ा कैमरा उठाया होता है। मैं मैंने नाइकॉन्स और कैनन के कैमरे इस्तेमाल किए, मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं कैमरे, वो इतने इतने बड़े साइज़ के। लेकिन अब उसकी इवन एक मुझे याद है कि मेरे कज़न ने मुझे कैमरा ला के दिया था दुबई से, पैनासोनिक, वो इतना बड़ा शोल्डर पर रखा होता था और उसको लेके जा रहे होते, मरी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट, क्योंकि उसकी बैटरी भी इतनी बड़ी होती थी, जो चार्ज करने में इतना टाइम लगता था। अभी देखिए, छोटा सा उसमें आपके पास बैठा पड़ा हुआ, जिप के अंदर पड़ा हुआ है, अब जब चाहें आप निकालें। और उसका रिजल्ट देखें, 4K है, 4K रिजल्ट बहुत अच्छा। नॉर्मली जो दूसरे बड़े बड़े कैमरे होते थे तो उसके अंदर वो के वाला हिसाब था ही नहीं, उसके अंदर तो नॉर्मल पिक्सल्स कह सकते हैं आपको, उसके हिसाब से चलते थे। फोटो भी इतनी क्लियर नहीं होती थी, वीडियो भी इतनी क्लियर नहीं होती थी, लेकिन उसमें तो फोटो मेरे कम ही खींचते थे, जो वीडियो कैमरे मैं अभी बोल रहा हूँ उसको अंदर, वो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपकी कोई भी किसी किस्म का अपने इसको अपने रेफरेंस का लगाया हुआ है, टेलीफोन के साथ लगाया हुआ है, उसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि टेलीफोन का कैमरा जो है वो भी 4K है, अभी जो जैसे मैं इस बात कर रहा हूँ आपसे, ये 4K का इसका कैमरा है, ये जो आईफोन है, तो इसकी भी यानी उसी हिसाब से जब इसको अटैच करेंगे तो आप उसका याद रखिएगा कि इसकी जो डीजे एप्लीकेशन है उसके अंदर उसकी मिक्सिंग भी हो सकती है। और इसी तरह आप इसके अंदर आप अपनी स्लाइड शो, अगर पिक्चर खींची है तो उसके अंदर आप स्लाइड शो उसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी। उनका म्यूजिक मिक्स करना है वो भी आपको मिलेगा। तो यानी कि इसमें आप ये याद रखिए कि कोई भी फंक्शन है, जैसे पुराने ज़माने में हम पुराने के भी कुछ अर्सा पहले हम वो जो प्रोफेशनल लोग होते थे उनको कहते थे आओ हमारी वीडियोज़ बनाओ, ये करो। आजकल का ज़माना यह है कि अगर आप पास ही देख, जैसे मैंने कहा ना, वो दो मैंने ये रखे हुए हैं, उसके अलावा आपको मैंने उस दिन दिखाया था कि 360 भी मैंने रखा हुआ है गोप्रो का, तो यानी कि मैं मुख्तलिफ कैमरे जो है ना वो गोप्रो के रखे हुए हैं और उसको इस्तेमाल करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर लगा देता हूँ। या एक वक्त में वो सारे कैमरे जो है ना वो वीडियो बना रहे होते हैं, जब मैं ड्रोन्स को उड़ा रहा होता हूँ, अपने सीन कोई मिस ना हो जाए तो वो कैच कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद ला के उसको एप्लीकेशन के थ्रू मैं मिक्सिंग करता हूँ और उसके बाद अपनी वीडियो तैयार करता हूँ जिसको मैं इन्जॉय करता हूँ। हकीकत बात यह है कि आप भी ये करके देखिए, आप ख़ुद प्रोफेशनल हो जाएंगे, आप ख़ुद अपने उस्ताद बनिए। और ये एक हॉबी याद रखिए कि ये ऐसी हॉबी है कि आप किसी किस्म की सिकनेस भी है, माजूर भी है, कुछ भी है, लेकिन आपको फील नहीं होने देती, क्योंकि आप दुनिया को आप अपने कैमरे में कैच करके अपने पास ले जा रहे हो और आप उसको खुद जब देखते हो आप इंजॉय करते हो, आपका टाइम पास होता है और आपको किसी किस्म की टेंशन डिप्रेशन नहीं रहती। दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप कोई भी सिकनेस, आपको आप मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैं औरत हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं, आप बाहर नहीं भी निकल सकते, छत पर चढ़ जब परिंदे बैठे ना आपके, वो छत पर बैठे हुए दाना चुन रहे हैं या दीवार पर बैठे हैं, आप उनकी वीडियो बनाएं, आप उसको खुद ही देखिए कि आप इसका कैसे हैं, आप अपनी सेल्फी लीजिए, इससे सेल्फी बनती है और इवन आपको फॉलोअप ये देता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हम आजकल पाकिस्तान के अंदर स्पेशली या आजकल दुनिया के अंदर टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ है, कंपटीशन है, लोग एक दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं, तो जो बंदा पीछे रह जाता है तो इंसान वो थोड़ा सा फील करता है, बैठ करता है। लेकिन क्या है, या आपको कोई मजदूरी आ गई या सिकनेस आ गई, तब भी उनसे निकलने के लिए ये सबसे बेस्ट है। शुगर के पेशेंट, मैं अपने डॉक्टर, लेकिन मैंने देखा ना कि शुगर के पेशेंट्स, आप इसको लें, बाहर निकलें, वॉक करें और मुख्तलिफ सीन कैच करें, फूलों की तस्वीरें खींचें, वीडियो बनाएं, पौधों की, परिंदों की, झीलों के किनारे जाएं, आपकी वॉक भी हो गई और आपने वीडियो भी बना ली और जब आप बैठेंगे आप इंजॉय करेंगे। तो आज का जो मेरा अभी इसकी तारफ मैंने भी करवा दिया, प्लस मैंने आपको इसकी खूबियां बताई, प्लस इसकी आपको अदरवाइज जो इसकी एडवांटेजेस हैं इसको इस्तेमाल करने के, उसको मैंने हाईलाइट किया। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच।
आदाबर, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। Thank you.